ये देश कितना सुंदर लग रहा है। ये MiG-21 है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो हम हैं कारगिल में, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, नाइट स्टे हमने कारगिल में किया था। और ये व्यू देखो आप, ये यहाँ पर ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके बैक साइड में पाकिस्तान है। काफ़ी मतलब पीछे है, इतना भी वो नहीं है, लेकिन इसके बैक साइड में पाकिस्तान है। और ये रिवर फ्लो कर रही है। ये देखो ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है, ये रात में इतना नहीं दिख रहा था। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। आज जहाँ तक श्रीनगर पहुँचने का है हमारा जो है, वैसे अभी 10:30 बज गए हैं, लेट हो ही जाते हैं निकलने में। तो श्रीनगर पहुँचने का है, नहीं तो सोनमर्ग, दोनों में से जहाँ पर भी स्टे करेंगे वो आपको दिख ही जाएगा। और जोजीला पास पड़ेगा आज, काफ़ी हाई पास है, तो वहाँ देखते हैं कितना स्नो मिलती है अपने को। तो चलो आज का ये नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, कारगिल टू श्रीनगर या कारगिल टू सोनमर्ग। तो चलो, ये देखो तैयारी अपनी हो गई है। ये रूम था, रात में आपको कल दिखाई दिया था मैंने, सामान अपना पैक है सारा कुछ, और अब निकलेंगे चेकआउट करके। तो भाई चेकआउट करके जल्दी, अब हम जाएंगे जोजीला पास। होटल को कर देते हैं अपने बाय बाय। ये अपना होटल, काफ़ी अच्छा होटल था। चलो भाई रेडी टू मूव। कल मेरा जो है ना एयरटेल का सिम खो गया, तो हम जा रहे हैं कारगिल मार्केट में एयरटेल की सिम लेने के लिए। कल हम कुछ खुफिया पंती कर रहे थे उसमें जो है, तो हम जा रहे हैं कारगिल मार्केट सिम लेने के लिए, सिम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे हम आगे श्रीनगर के लिए। तो देखो आपको कारगिल का मार्केट भी दिखा देते हैं। ये पूरा कारगिल सिटी है, और ये देखो प्लेग्राउंड क्रिकेट हो रहा है वहाँ पर नीचे, उधर क्रिकेट चल रहा है। कारगिल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, पूरी डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। ये पूरा कारगिल है, यहाँ से सोनमर्ग है 121 किलोमीटर और श्रीनगर है 205 किलोमीटर, जोजीला पास 98। ये आ गया ब्रिज, और ब्रिज क्रॉस करके 2 मिनट राइट साइड में चलना है अपने को। राइट मतलब? हाँ निकल रहे। हाँ तो ये पूरा कारगिल मार्केट है, और एक और मार्केट है वो आगे चल के नीचे तरफ है। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद से बताया लेफ्ट साइड में एयरटेल का स्टोर है। मस्जिद है ना ये? ये देखो पूरा आपको कारगिल का सिटी का पूरा टाउन दिखा दिया मैंने जो है ना, प्लस मार्केट। यहाँ पर ही आगे कहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए हम एयरटेल ऑफिस। ये एयरटेल ऑफिस है लेकिन ये बंद पड़ा। हाँ भाई, तो हम कारगिल टाउन से निकल लिए हैं, और जो काम था हमारा एयरटेल सिम का वो नहीं हुआ, क्योंकि प्रीपेड सिम थी, तो उन्होंने कहा प्रीपेड सिम का यहाँ नहीं होगा, वहीं से होगा जहाँ आप यूपी से, तो वहीं कराना। हमारा टाइम वेस्ट हो गया 1 घंटा यहाँ पर खामे खामे, 1:10 हो गए। अब जा रहे हैं जोजीला पास होते हुए श्रीनगर, देखते हैं श्रीनगर या सोनमर्ग जहाँ भी रुकते हैं। आज इंडिया का मैच है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी देखना है 8 बजे से। तो जहाँ पर हम मतलब 8 बजे से पहले पहुँच जाते श्रीनगर तो वहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर हम सोनमर्ग रुकेंगे, क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है, सफर तो चलता रहेगा। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. जैसे विलेज आता है ना, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी शुरू हो जाती है। यहाँ वॉलनट वॉलनट की खेती, ये सब चीजें होती हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे विलेज हैं, बड़े सुंदर सुंदर विलेज आ रहे हैं कश्मीर में। फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं येलो, तो ऐसी इस सुंदर ब्यूटी को देखते हुए और एप्पल का आनंद लेते हुए चल रहे हैं हम जो है, सफ़र का आनंद ले रहे हैं। अब द्रास आने वाला है, यहाँ से 15 किलोमीटर और रह गया द्रास। द्रास में देखते हैं कुछ अच्छी जगह दिखेगी तो हम दिखाएंगे आपको भी, और उसके आगे आएगा जोजीला पास। अपना इंडियन फ्लैग लहराता हुआ कारगिल वार मेमोरियल रास्ते में पड़ता है। वाह कितना सुंदर लग रहा है। अंदर कितना सुंदर लग रहा है।
कारगिल वॉर मेमोरियल MiG-21 दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये अंदर आ गए हम वॉर मेमोरियल में। कितना सुंदर लग रहा है। ये MiG-21 है। MiG-21 एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन है। कितना सुंदर लग रहा है। ये आगे बोफोर्स भी है। वो बोफोर्स है। दिस वन ये बोफोर्स है। कारगिल युद्ध के दौरान ये इस्तेमाल की गई थी। ये मेमोरियल है कारगिल वॉर में जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया हुआ है। द्रास आ गया। ये द्रास का मार्केट है। गोजिला टनल बन रहा है। ये जो है ना सामने ये काम चालू है। आने वाले टाइम में ना गोजिला पास जो है ना वो भी बंद हो जाएगा। टनल के थ्रू ही आप क्रॉस कर जाओ। तो ये सारी चीजें चल रही है। जितने भी पासेज है ना उनके नीचे से टनल बना करके सारे पासेज के ऊपर से जाना बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में। गोजिला वॉर मेमोरियल गोजिला पास है आगे। ये देखो टैंक खड़ा है अपना। घुमरी के यहाँ पर रुको आराम से कैफे में चाय पानी पियो और निकल जाओ पास की तरफ। और मैं तो पहले ही पी के आ गया हूँ। मैं तो डाउट है तू खा के भी आया होगा। मैं तो कावा पी के आया हूँ। कावा है तू खाना भी खाया आया होगा। मुझे तो पे डाउट है। गोजिला पास के लिए अब चढ़ाई शुरू हो गई है। और व्यूज देखो यार कितने सुंदर आ रहे हैं। ये देखो रिवर फ्लो कर रही है बगल बगल में। और देखो ऊपर जा रहा है वहाँ पर वो ऊपर स्नो दिख रही है ना। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की बूंदाबांदी। स्नोफॉल देखते हैं स्नोफॉल दिख जाए लाइव जैसे कि 12 लाचा पे मिली थी हमें। गोजिला पास इसकी एल्टीट्यूड है 11,649 फीट हाइट पर है ये। ये देखो लेकिन यहाँ स्नो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर ऊपर है नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो वहाँ पर जो है ना बाइक राइड टाइप हो रही है उस साइड पर। ब्रो गोजिला चलो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं दिखाने का। गोजिला हो रही थी ये दबाई गोजिला पास। और यहाँ पर ये जो है ना स्नो स्पोर्ट्स टाइप के हो रहे हैं कुछ। ये देखो सही है थोड़ी सी बर्फ है उसी में लगे हुए हैं सबके सब राउंड लेने में। और भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है। लेकिन ज़्यादा स्नो नहीं है यहाँ पर जो है ना गोजिला पास पर। ठंड बहुत है लेकिन कान ठंडे पड़ गए। तो भाई वो एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो इतना सोच के आए थे गोजिला पास में काफ़ी बर्फ मिलेगी हमारे को आसपास जो है जैसे कि 12 लाचा में मिली थी ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो है बर्फ थी लेकिन थोड़ा दूर थी। और जो भी थोड़ी बहुत रास्ते में ना वो इस तरह से है काफ़ी गंदी हो रखी है। ये देखो ये आ रही है इस तरह से रास्ते में। लेकिन एक होती ना एकदम फ्रेश स्नो जो 12 लाचा पे पड़ रही थी हमारे को जो है ना बारिश हो रही है जबकि यहाँ पर लेकिन बर्फ नहीं पड़ रही है। ये है तो ये था भाई गोजिला पास। तो हम आ गए सोनमर्ग और ये सारे कॉटेजेस हैं यहाँ पर। टूरिस्ट कैफेटेरिया JNK टूरिज्म का है। ये बड़े सुंदर सुंदर से देखो कितने सुंदर होटल बने हुए हैं छोटे छोटे से। सोनमर्ग रेजिडेंसी। अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है 29 तारीख को। तो ना अब यहाँ रश स्टार्ट हो गया है क्योंकि बालटाल पीछे ही निकला है अभी हमारे। गोजिला पास से नीचे उतरते ही ना बालटाल आ गया था। तो अमरनाथ यात्रा की वजह से अब यहाँ पूरा का पूरा सेटअप हो रहा है।
अच्छे से आर्को होटल आर्को एंड रिसोर्ट्स। तो इसमें हम रूम देखे हैं, तो ये 10,000 का टैरिफ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं मतलब जो है विद ब्रेकफास्ट, तो इसी में स्टे करेंगे। और सोनमर्ग में ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है, सी दिस। यहाँ बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं, रुकने की ज़रूरत नहीं रुकने के लिए मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये देखो यार कितना सुंदर व्यू है। तो यहाँ पर जो है वो बुला रहा है मैनेजर, चलो चेक इन करते हैं, उसके बाद रूम और दिखाता हूँ आपको। अपने रूम में जा रहे हैं, ये देखो यार व्यू कितना सुंदर आ रहा है, सामने अपनी कार पार्क है। ये ऊपर वाला रूम है अपना, ये वाला, ये अपना लगेज लेके जा रहे हैं भैया। चलो आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये है भाई अपना रूम, वन सेकेंड, सी दिस। ये रूम है, ये वॉशरूम है, और बालकनी का व्यू दिखाता हूँ। ये बालकनी का व्यू है। हाँ कम इन। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो मैच देखने के लिए ना हम सोनमर्ग में रुके हैं, नहीं तो हम चले जाते श्रीनगर। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल हम जाएंगे श्रीनगर, वहां से जहां जहां जाएंगे जर्नी वो आपको सब पता चलती रहेगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय गाइस, टेक केयर।